स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस एंड यू कैन से डीमेरिट्स। सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीडर्स बार बार चेंज होंगे तो क्या होगा, इट हाईलाइट इंस्टेबिलिटी, तो कंट्री में इंस्टेबिलिटी रहेगी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मोरालिटी मतलब मॉरल वैल्यूज, नैतिकता, ठीक है, वो नहीं होगी अगर ये कॉम्पिटिशन के ऊपर बेस्ड होगा। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेड्स टू डिले। इसमें हम एग्जाम्पल एक डाल सकते हैं, अगर जर्मनी में हिटलर था, ही कैन चेंज द डिसीजन इमीडिएटली, बट इन डेमोक्रेटिक कंट्री वी फॉलो द प्रोसीजर सो दैट इट डिलेज। गॉट इट? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो इट लेड्स टू बैड डिसीजन। कई बार क्या होता है, जो लोग चूज किए गए हैं, जो जीत गए हैं, उनको भी नहीं पता होता कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। हो सकता है ही हैज फैमिली बैकग्राउंड बट ही डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स, सो इट लेड टू बैड डिसीजन। गॉट इट? नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी लेड टू करप्शन। करप्शन, इट इज ऑल बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप इसमें सेकेंड पॉइंट डाल सकते हैं, देयर इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले, जिसके कारण क्या होगा, करप्शन होगा, और इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। गॉट इट? नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। उसको तो नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज वी फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड कम्युनिटी। क्लियर? सो देयर आर, दीज आर सिक्स पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, इट लेड्स इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटीज। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन होता है, इसलिए डिसीजन जो है वो लेट होते हैं। Elected leaders do not know the best interest of the people, so it led to bad decision. Democracy led to corruption because it is based on electoral competition. Ordinary people don't know what is good for them, so they should not decide anything. So at last, it is also true that democracy led to frequent changes in leadership. Sometimes they can set back big decisions and affect the government's efficiency. Clear? Got it? So, beta, ऐसे ही आपका दूसरा टॉपिक है arguments for democracy. Arguments for democracy. So, these are the advantages and demerits and merits for democracy. Clear? इसमें हमें सबसे पहले है China's famine of 1958 to 1961. अब आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देती हूँ कि चाइना में जब famine आया था तो क्या हुआ। China's famine was world record famine in world history. 3 crore people died. India economic condition was not very good. But India did not have a famine of the kind like China had. तो ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है? Because this was the result of different government policies of the two countries. Which two countries? India and China. ये दो countries को हाईलाइट करता है. Because if China had a multi-party elections, an opposition party faced free to criticize the government, then so many people may not have died in this famine. अगर चाइना के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो शायद
इतने लोग इस फेमाइन में नहीं मरते. गॉट इट? अब व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें ये पता है क्योंकि इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. बट इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दे मे एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल. वो जैसे चाहे उस ढंग से लोगों की हेल्प कर सकता है. क्लियर? दिस इज फर्स्ट पॉइंट. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. अब आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे, डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स को? बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन. नो वन इज अ परमानेंट विनर एंड नो वन इज अ परमानेंट लूजर. क्लियर? नाउ द थर्ड इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. हाउ? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट द पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन. सो दे आर एबल टू दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन. क्लियर? नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. हाउ? डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट. वॉट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? रिस्पेक्ट. सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. नाउ द लास्ट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. हाउ? बिकॉज क्यों है ये? व्हाई इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, और यू कैन से देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन. आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज. क्लियर हो गया? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी. गॉट इट? बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हो गया, डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स क्लियर हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिग्निटी हो गया, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. क्लियर? नाउ द लास्ट इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज ब्रॉडर मीनिंग? मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी. इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और यू कैन से व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी. गॉट इट? सो फर्स्ट इज इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन. ठीक है, ये जरूरी नहीं है सब लोग मीटिंग में उसी टाइम आ जाएं, सब लोग इकट्ठे होके डिसीजन ले लें. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट. सिटीजन डजंट हैव टाइम द डिजायर और स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन. इट मीन्स इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. You know what is democracy? It is based on principles, institutions. And good democracy means, ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से follow करना. Got it? So, consultation and consent, those who are affected by that decision. It means, no country is perfect democracy. We the people make it. ठीक है, एट लास्ट यू कैन से डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स. क्लियर बेटा? सबको क्लियर हो गया ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? थैंक यू वेरी मच.